ब्रेकिंग न्यूज, अपनी कड़ी मेहनत से अपने यतीम खाने से ना जाने कितने अपराध को जिंदगी बख्शने वाले मशहूर समाजी कारकुन शिवाजी राव ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण खिताब से नवाजा है, लेकिन ऐसे मौके पर भी ये अपनी भूख हड़ताल से पीछे नहीं हटे। गांधीनगर में सरकारी यतीम खाने में वक्त पर इलाज न होने से एक नौजवान की मौत पर इंतजामियों को दुरुस्त करने के लिए ही उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है। इससे कबल भी इनके किए सामाजिक कामों से हम बखूबी वाकिफ है। सहाफियों ने जब उनसे ये सवाल किया कि क्या आप सियासत में कदम रख रहे हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। शिवाजी राव के इस जवाब से मालूम होता है कि वो जल्द ही सियासत में कदम रखने वाले हैं। भाई फ्लाइट तो आ गई। सिर्फ फ्लाइट ही नहीं आई है, मौत भी आई है। हमारी बीवियों के मंगलसूत्र में कितनी ताकत है, थोड़ी देर में इल्म हो जाएगा। भाई तुम फिक्र मत करो भाई, अब तक 10 मरतबा तो मैं जा ही चुका हूँ। रुक नहीं रहा, आ ही नहीं रहा है। वो देखो, मौत नाचती हुई इसी जानिब आ रही है। हमारे करीब आ गई भाई। Why are you so happy? मैं आज अपने वालिद से मिलने वाली हूँ। Oh, today I'm going to see my girlfriend. Bye. Hi baby, सब खैरियत? खुश आमदीद मैडम। शुक्रिया। डैडी कहाँ हैं? डैडी कार में इंतजार कर रहे हैं क्या? कार में नहीं है। तो फिर घर पर वेट कर रहे हैं? तशरीफ ही नहीं लाए। क्यों? आना चाहते थे मैडम, आ नहीं पाए। हम सच कह रहे हैं मैडम, और इसीलिए ये क्या करूं, इसका अपने सिर पर लगाऊं क्या? अरे मैडम, मैडम काफी दूर है मैडम, लेकिन हम नहीं चल सकते, कार की आदत जो हो गई। जुबान बंद करो अपनी, मालिक को तकलीफ होगी मैडम। होने दो, उन्हें मालूम होना चाहिए। पूरे 2 साल बाद मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। खुशामदीद के लिए भी नहीं आ सकते क्या? मैडम नई कार है, आपकी खातिर खरीदा था आपके वालिद ने। वाकई? अरे मैडम क्या कर रही है? अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही है? अरे मैडम नहीं नहीं नहीं, इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट होगा तब पता चलेगा। बच गए भाई। अरे यार, अरे बाप रे, क्या जुबान है मैडम की, तो मामूली जुबान नहीं है भाई, गोल्डन टंग। हमारी बिटिया कहाँ है? ऊपर है मालिक। ज्यादा गुस्से में है क्या? ज्वालामुखी की मानी दुबल रही है। अगर नजदीक जाएंगे तो आप पर फूट पड़ेंगी मालिक। हम यही रहेंगे तो बेहतर होगा। आप नहीं, आप जाइए। सॉरी बेबी, जरूरी काम था इसलिए एयरपोर्ट नहीं आ पाए। यही कहने वाले हैं ना आप? आपकी गलती को पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगी, मैं अभी इंडिया से जा रही हूँ। तुम यही कहने वाली हो ना? नहीं। टीवी में आपकी खबर देखी इसलिए माफ कर रही हूँ। मुबारक हो पद्म भूषण शिवाजी राव जी। वेलकम टू इंडिया। आई लव यू डैडी। आई लव यू टू बेटा। और मुझे आप पर फक्र है। मुझे भी तुम पे फक्र है। डैडी, और कितना वक्त लगेगा? रेडी, मेरी प्यारी बिटिया की पसंद का पकवान। जबरदस्त। अम्मी को भी पीछे छोड़ दिया आपने तो। हकीकत में मेरा बनाया पकवान मेरी गुड़िया को पसंद आ गया। मेरी जिंदगी की इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है? अरे हाँ, आपने अपने सारे काम को रद्द करके 2 घंटे से सीख रहे हैं कि इसे कैसे पकाऊं, और तब आप इसे पका कर लाए हैं। यानी कि इसके पीछे कुछ तो खास मंसूबा है, मुझे तो शक है। वाह,
मेरी दुख्तर तो काफी होशियार है, मुझे अपनी बेटी में फक्र है। अब मस्का लगाना बंद कीजिए, असल बात बताइए। अब बात यह है कि मेरा एक जरूरी दौरा है। वाकई? कितने रोज का? बस अब एक हफ्ता। तो रवाना कब होना है? कल सुबह की फ्लाइट से। आपके लिए मुझसे अहम आपका कारोबार है क्या? मैं कारोबार के दौरे पे नहीं जा रहा, ये सियासती दौरा है। मैं सियासत में कदम रख रहा हूँ, जिसके लिए मुझे कई अफराद की मदद की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए गैर मुल्क में मुलाकात रखी है। वाह बहुत खूब, आपके जैसे इंसान सियासत में आए तो अवाम को काफी मदद मिलेगी। कामयाबी हासिल। शुक्रिया। लेकिन ये मुलाकात गैर मुल्क में क्यों है? काफी राजदाराना है, यहाँ सहाफी जो पीछे पड़ जाएंगे। तो फिर जब तक आप लौट कर आएंगे मैं भी कहीं सैर का मंसूबा बना लेती हूँ। इस शहरी जिंदगी से काफी उब गई हूँ मैं, ये शोर शराबा, ये मशरूफियत, कुछ रोज के लिए मैं इन सब से दूर चली जाना चाहती हूँ। अच्छा ख्याल है। जाना कहाँ है, इसका फैसला तुम करोगी या मैं इंतजाम करूँ? नहीं पापा, मेरी यहाँ एक सहेली है, उसका नाम सुजाता है। 10 साल से गैर मुल्क में हो फिर भी यहाँ दोस्त कैसे? नेट पर दोस्ती हुई थी 2 साल का। अच्छा, उसे कुदरत से लगाव है, तो कल उससे मिलकर फैसला कर लूंगी। कोई और माजरा तो नहीं? डैडी। लूसी? जेनी, छी, क्रेश, तुम्हे तो मैंने यहाँ बुलाया था और मुझे छोड़कर सबका नाम गिनवा दिया। ऐसी आँख बंद करने वाली इंडिया में मेरी एक ही तो सहेली है तुम जानती हो ना सुजाता। जरा सुनिए। अभी आया मोहतरमा। जी फरमाइए। वन सैंडविच, वन चॉकलेट कॉफी। आपके लिए क्या लाऊं मोहतरमा? धत तेरी की, लड़की समझ के इतनी देर से लाइन दे रहा था मैं। आंखें फूट गई है क्या तेरी? तुझे लड़की और लड़के में फर्क नजर नहीं आता? आपके लिए क्या लाऊं मोहतरमा? एक कैपेचिनो प्लीज। जी, और आपके लिए जनाब? हाँ, आंखें फूट गई है क्या तेरी? लड़का लड़की में फर्क नजर नहीं आता? तुझे तो बाप रे, यहाँ लड़की लड़का नजर आते हैं और लड़का लड़की, इस शहर में तो बहुत ज्यादा उलझन है, कौन क्या है कुछ समझ में ही नहीं आता। इधर आ। अरे आ, कहाँ है तेरा शौहर? पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त पेशाब के बहाने फरार हो गया, वो कहाँ है? साहब, जब से मैं हार मिला हूँ उन्होंने चोरी चकारी छोड़ दी तो है। फिर तुझे खीर, बादाम और केसर का दूध पिलाने के लिए सरकार से सिफारिश करूँ क्या? हकीकत कह रही हूँ जनाब, ये ठेला लगाकर गुजारा करती हूँ, आप उसे फिर से पकड़ कर उसे किसी मामले में न डाल दे, इसलिए वो डर कर फरार हो गए होंगे। उसके फरार होने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस बात की है कि सबकी मौजूदगी में मेरा मजाक बनाकर भागा है वो, यही कहीं आसपास ही छिपा होगा वो। चलो आओ। अच्छा बताओ, ये यकायक सैर का मंसूबा क्यों बना लिया? कल ही तो आई हो और फिर से ये सैर का मंसूबा? तुमने ही तो कहा था ना कि इंडिया आते ही किसी अच्छी छुट्टी पर चलेंगे, और ऐसे भी पापा एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं तो मैं तन्हा बोर हो जाऊंगी, इसलिए सैर का यही बेहतर मौका है, इसलिए यकायक मंसूबा। तो कोई अच्छी जगह का मशवरा दो ना। एक सेकेंड। चला बुला अपने शौहर को। राजा। ऐसे बुलाएगी तो नहीं आएगा वो, कुछ अलग तरीके से बुलाना होगा। घुटने पे बैठ के बुला। साहब जी, मेरे पेट में बच्चा है। कौन सा महीना है? 9वां महीना है साहब। तो फिक्र किस बात की, वक्त हो गया ना। अरे अस्पताल, डॉक्टर, इन सब का खर्च किस लिए? अरे अगर बच्चा यही हो गया तो कोई खर्च नहीं होगा, उसके बाद वो आएगा ना बच्चे को देखने। चल बैठ। लंबे सफर पे जाओगी तो थक जाओगी, मजे नहीं कर पाओगी। वाइजैक चला जाए, वहाँ मेरे एक मामू हैं, वहाँ वो सारे इंतजाम करा देंगे। ठीक है। राजा। राजा। अब आएगा वो कमीना। राजा।
नीचे बैठ। ए, ये क्या कर रहे हो? चल बैठ। अरे इसकी जान को खतरा हो सकता है। ए, अगर इसने ऐसा नहीं किया ना तो इसके खसा को खतरा है। चलो छोड़ो 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 इसे। अक्ल नहीं है क्या तुम्हें? तुम पुलिस अफसर नहीं हो क्या? ए, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत है? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या बोल रहे हो? भागो। तुम जाओ यहाँ से। फासले से बात करो। सुजाता, तुम ठीक हो? तू नीचे बैठ, नीचे बैठ, बैठ। ए, तुम इंसान हो या जानवर? तुम जैसे हैवान को तो बीच सड़क पर गोली से उड़ा देना चाहिए। क्या गाड़ी चलाते हैं? पूरा बदन दर्द करने लगा। ये कैसी आवाज निकाल रहे हो? जिसके जिस्म में जैसी आवाज होगी वैसी ही निकलेगी ना। मुरादाबाद में हुई इंस्पेक्टर की हत्या किसी पेशेवर कातिल का काम है ऐसा कहा जा रहा है। जिस पुलिस अफसर का कल कत्ल हुआ था उसका लैंड सेटलमेंट से ताल्लुक लगता है। हैदराबाद में क्राइम बहुत ज्यादा हो गया है। सुबह सुबह कातिल की खबर दिन खराब हो गया। कातिल को वो गिरफ्त में ले लेंगे। ये क्या सुबह सुबह शुरू कर दिया तुमने? सुबह सुबह कहाँ जनाब, रात से मुसलसल जारी है। तेरी तो अपने ताकत के आजमाइश मुझ पर ना कीजिए। वहाँ देखिए कोई परेशानी में है, जाकर मदद कीजिए उसकी। क्या परेशानी है? गाड़ी फंस गई है। पीछे हटो। ए, ये हमारे सीनू मामा है, तुम लोग इनकी क्या मदद करोगे? पीछे हटो हटो, शुरू हो जाइए मामा। ये! ये! दो मुझे। बाप रे, पूरा जिस्म जख्मी हो गया। फ्लाइट से सफर बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, बस में मुझे बहुत मजा आता है। जय बजरंग बली। वही है ना तुम्हारे मामा? ए, तुम्हें कैसे इल्म हुआ? ऊपर वाले की रहमत, पर्सनालिटी। ए, सुनो मामा। अरे तुम इतनी दुबली कैसे हो गई? क्या मामा, कुछ भी। ये मेरी सहेली है मामा, शैलजा। कहो बेटी, सफर सही था ना? सीनू मामा ने कहा था कि उनकी भांजी आ रही है, वो यही है क्या? सुनो बेटी, इसने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया है। यहाँ से 120 किलोमीटर दूर एक सिहायती मकाम है, वहाँ पर मेरा रिजॉर्ट है। तुम लोगों के सुकून हासिल करने के लिए वो बहुत अच्छी जगह है, हम लोग वही जा रहे हैं। ठीक है अंकल। और एक बात, हमें अंकल कहोगी तो गैर जैसा लगेगा। हमको सब यहाँ सीनू मामा बुलाते हैं, तुम भी वही बुला सकती हो। ठीक है सीनू मामा, चलो आओ। बेटा शैलू, ये है तुम्हारा कमरा। अगर तुम जल्दी तैयार हो जाओ तो हम लोग साइड सीन के लिए जा सकते हैं। चलो। अपवित्र पवित्र सर्वावस्थांग। माफ करना, मुझे फौरन घर जाना होगा। क्या फौरन घर जाना होगा मतलब? समझो यार, जरूरी है, तुम्हारे सामने ही तो फोन आया था ना। हम दोनों 7 रोज तक साथ रहने वाले थे, अभी साइड सीन के लिए भी तो जाने वाले थे ना हम लोग। इतनी जल्दी जरूरी कॉल किस बात का? लड़की देखने वाले आए हैं। लड़की देखने वाले? मतलब पसंद आई तो हो जाएगी शादी? हाँ। फिर इस लड़की की जिंदगी? इसे क्या हुआ? इसे क्या हुआ? इसकी जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें क्या हक है? हाँ? इसके दिल में मोहब्बत का अरमान जगाने का? हाँ? मतलब इस लड़की का दिल टूट जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर इसने कहीं कुछ गलत कर लिया तो कौन होगा जिम्मेदार? जिम्मेदारी तुम्हारी होगी ना, बताओ जवाब दो। हो रहा है, क्या परेशानी है? इसने कहा कि इसे घर जाना है तो ये नाराज हो रहे हैं। हम नाराज इसके घर जाने के लिए हरगिज नहीं है। इस लड़की को दगा देकर ये किसी और लड़की से शादी करना चाहता है, इसलिए। दारूबाज, दिन में शराब पीकर तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या हुआ?
मैं लड़की हूँ मैं। और नहीं तो क्या? एक घूट और। कौन हो तुम? शेरनी हूँ। तुम यहाँ तन्हा कैसे आ गई? ये जंगल मेरा है, मेरी मर्जी। ए, भागो मत, ये जंगल है। रुको रुको, तुम मुझे पकड़ नहीं सकती। रुको, मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगी। अरे बाप रे, मामा जी, मामा जी कहाँ है? मामा जी, मामा जी देखिए ना, उनका पैर फंस गया है। अरे क्या हो गया जी? मालूम नहीं, इसमें पैर फंस गया। ओह, ये तो ट्रैप है। यहाँ के लोग जानवरों को पकड़ने के लिए ऐसा ट्रैप लगाते हैं। सच बताइए, ये ट्रैप आपने ही लगाया है ना? एक तो हेल्प करो, फिर ये सब सुनो। ओह गॉड। शक से लड़कियों की दोस्ती होती है, इसलिए। शक वक कुछ नहीं, इतनी देर से मैं कोशिश कर रही तो नहीं खुला, आपने कैसे खोल दिया? आप यहाँ मुसाफिर हैं? हाँ। इसलिए आपको इसके मुतालिक इल्म नहीं। मैं मुसाफिर नहीं हूँ। तो फिर? मैं यहीं रहता हूँ। यहीं पास में? ओ वाकई? माफ कीजिएगा। दर्द हो रहा है? ओह, खून जम गया है। इलाज करवाएंगे तो दुरुस्त हो जाएंगे। मेरा घर यहीं पास में है। और वहाँ मेरे नाना जी भी हैं, जबरदस्त इलाज करते हैं दर्द का। वाकई? वो डॉक्टर हैं क्या? फॉरेस्ट गार्ड हैं और जड़ी बूटियों के जानकार भी, और फॉरेस्ट मेहमान खाने में रहते हैं। आओ। आह, उठा लीजिए ना मामा जी। अरे नहीं 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 नहीं, आपको नहीं जी, इसको। यही हमारा घर है। अरे बाप रे, अरे बचाओ, अरे हिफाजत करो, रुक जाइए, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं फंसने वाला। अरे रुकिए, ये अक्षर, अरे अक्षर पकड़ो, मैं फंस गया, अरे आपको यहां से, अरे रुक जाइए, मैं हिफाजत कर, रुकिए, कहां जा रहे हैं? दामाद जी सुनिए तो, अरे रुकिए ना, अरे ऐसे मत भागो, बच्ची हाथ से गिर जाएगी। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? ऐसे मत भागो। अरे आप घबराइए मत, हमारे घर में ये सब आम है। वो वहां जो खड़े हैं वही मेरे वालिद हैं। तुमसे बेहतर तो होता है, बैठने से पहले पूछ जाकर साफ तो करता है और आराम से नहाता है। आपका इलाज यही करेंगे। अरे बच्ची ने पेशाब कर दिया। देखो यहाँ से भागोगे तो तुम्हारे पीछे कुत्ते छुड़वा दूंगा। मेरी बात सुनो, चलो। ये मेरा भी ऐसे ही इलाज करेंगे क्या? अरे नहीं मोहतरमा, नहीं, आपके साथ ऐसा इलाज नहीं होगा। इनको पानी से जरा दुश्मनी है, इसलिए ऐसा इलाज किया जा रहा है। नीम का कड़वा शोरबा इनके कानों में डालो। आप क्यों मेरी जान लेने पर आमादा है? मुझे माफ कर दीजिए। पूरे सर में गंदगी और मिट्टी भरी है। अरे तो आप से सुन रहे हैं? देखती हूँ पूरे सर में जू भरे हुए हैं। हमेशा तो अपने काम में मशगूल रहते हो, कम से कम यहाँ आकर तो अपने शरीर पर ध्यान दिया करो। बढ़िया नजर है जी, जो आप जब नहाते हैं तो काफी अच्छे लगते हैं। कौन है? तुम भी लोगों की जमात में शामिल हो गए हो? मुझे भी नहीं मालूम कि ये कौन है। इनके पैर में चोट लगी इसलिए यहाँ लाया। क्या पैर में चोट लगी है? कौन से पैर में बेटी? यहाँ रखो। अरे रख दो ना, कोई बात नहीं। मेरे शौहर के हाथों में जादू है बेटी, चुटकियों में दर्द गायब हो जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? शैलजा। किस शहर से आई हो? हैदराबाद से। हैदराबाद? कल हैदराबाद में बिजली थी क्या? हाँ थी। क्यों? हमारे यहाँ गुल थी कल फुलवा सीरियल में, उसमें मुन्ना अपने वालिद से मिला होगा ना। मैं सीरियल वगैरह नहीं देखती। अरे अरे अरे, ये क्या बेटी, लड़की होकर तुम सीरियल नहीं देखती? बड़ी अजीब बात है। अरे बाप रे बाप, आपसे शादी करने वाला कितना नसीब वाला होगा, सीरियल नहीं देखने वाली खातून भी होती है। खामोश रहो। हाँ, अब पैर नीचे रखो, देखो अब दर्द कैसा है? थोड़ा सा कम हो गया है। थोड़ा सा नहीं बेटी, यस इट इज गॉन। भैया इन्हें हमारे खानदान से तारुफ नहीं करवाएंगे। माफ करना, ये मेरी अम्मा है।
पापा के बारे में तो मैंने कब नहीं बता दिया था। ये है अक्षरा, मेरी छोटी बहन। हाय। ये मेडिसिन फाइनल ईयर में है। अरे किस बात की डॉक्टर, सरदर्द की दवाई मांगने पर जुलाब की दवाई देती है, ड्रेनेज लीकेज एक हफ्ते के लिए। मेरी भी तारीफ करवाओ ना। जरा रुको तो सही। ये है बड़ी दीदी। हाय। हेलो। 10 साल से 10वीं जमात में पढ़ रही है, कुछ रोज बाद अपनी दुख्तर के साथ इम्तिहान देंगी। और ये है मेरे जीजू, दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इस घर के अजीम शख्स। हाय, नमस्ते। नहाना इनकी सबसे बड़ी आज़मत है। तुम तनाही काफी हो मेरी बेइज्जती के लिए, ऊपर से तुम्हारी ये दुख्तर। हाय। ये मेरी दीदी की बड़ी दुख्तर है। मेरा नाम बनी है, मैं UKG में पढ़ती हूँ, और ये मेरी बहन है, बहुत बोलती है। अगर तुम तालीम हासिल करोगी तो दिमाग जम जाएगा। मेरा नाम है गुन गुन। आ, दीदी पर गई होगी ना मेरी रानी। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए। हमारे यहाँ पत्ते पर खाया जाता है। क्यों? खाने के बाद प्लेट ना धोनी पड़े इसलिए। खामोशी से नोश फरमाओ। इज्जत से पेश आइए दामाद जी के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, केले के पत्ते पर खाने से सेहत अच्छी रहती है। साली जी संभल कर, नहीं तो पूरा पत्ता भी खाने के लिए कह देंगे। ज्यादा बोलोगे तो ये काम तुमसे ही शुरू कर दूंगा। अरे बाप रे। जरा मेरे अम्मा पापा को देखिए तो। हाँ तैयार हुआ। तुम्हारे वालिद काना है क्या, जो मक्खन का गोला ऐसे छुपा कर दे रही है? क्या सूर्या, जब कृष्ण ने मुंह खोला था तो पूरा ब्रह्मांड नजर आया था, ये अपना मुंह खोलेंगे तो पूरा म्यूनिसिपैलिटी नजर आएगा। अबे गधे। ससुर जी जरा इज्जत से पेश आइए, खवातीन बैठी है। सब कुछ कहने के बाद तुम्हें इज्जत चाहिए? बेटी मैं रोजाना इतना मक्खन खाता हूँ, इसीलिए अब तो कलेजे को ठंडक पड़ गई ना, अब ठूसो। अरे लगता है फिर से नाराज हो गए। अरे आप परेशान मत होइए। सारे गामा पा धानीशा। अरे तुम लोग खाओ ना, ये तो रोज का है, चलता रहता है। आप परेशान मत होइए, इनको इतनी डांट रोज पड़ती है, ये और कोई नहीं मेरे वालिद के दोस्त के फर्जंद हैं, इनकी परवरिश यहीं पर हुई है। जया प्रदा, बेटी को जरा घी दे दो। आंटी आपका नाम जया प्रदा है? वहाँ भी वो एक बार फिसले हैं। दरअसल क्या हुआ था ना, अब वो सब बात किस लिए दामाद जी? दामाद जी और क्या, अभी तक तो आप मुझे गधा और पागल कह रहे थे। मौके की नजाकत देख के इज्जत दी जाती है। अरे छोड़िए ना, बताने दीजिए। हाँ तुम कम थोड़ी। पापा जब यहाँ फॉरेस्ट अफसर बनकर आए थे तो जंगल में एक शूटिंग हुई थी, ये शूटिंग देखने गए। शूटिंग देखने के बजाय हीरोइन जया प्रदा से मोहब्बत हो गई, जैसे लव एट फर्स्ट साइट हो। तो और क्या करता मैं, मेरी बदकिस्मती, इसीलिए उस जया प्रदा से तो शादी नहीं कर पाया, लेकिन बेटी जया प्रदा नाम की इनसे शादी कर ली। देखिए अभी भी झूठ बोल रहा है, नोश फरमाते वक्त। इनकी जया प्रदा की कमजोरी नाना जी ने पकड़ी थी। मतलब मेरे पापा, मेरे नाना जी ने झूठ बोलकर इनका नाम जया प्रदा बताकर शादी करवा दी। अरे रुकिए, असली बात मैं बताता हूँ। इनके 3 बच्चे पैदा होने के बाद भी इनका नाम अन्नपूर्णा है, इस बात का इल्म इनको नहीं हुआ था। जया प्रदा के नाम का फायदा उठाने वाले अजीम शख्स कौन है मालूम है? वो देखिए लीला राम जी। तुम्हारे घर में भी ऐसे ही हंसी मजाक होती होगी ना? क्या हुआ बेटी? जब तक मेरी अम्मी थी तब तक घर में हंसी मजाक होता था, वो 10 साल कबल गुजर गई। ओ, कोई बात नहीं, मैं अब सबसे बाहर हूँ। पापा मशरूफ रहते हैं, इतना मशरूफ रहते हैं कि उनके साथ नोश फरमाने का मौका ही नहीं मिलता। भैया भी वैसे ही हैं, शादी के बाद वो स्टेट्स में आबाद हो गए। ओ तो मामला संजीदा है, सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए मुझे फिर से ससुर जी की कोई दास्तान सुनानी पड़ेगी। जय प्रदान दी, खाना खाइए ना। खामोश रहो, जरा शक्ल तो देखिए कैसे घूर रहे हैं। शैलो जरा रुकना बेटी। यार कितने रोज रुकोगी? अगले शनिवार तक हूँ। मतलब 4 रोज और, फिर कल हमारे घर जरूर आना, कल हमारे घर में एक खास मौका है। वो क्या है? हमारे वालिद वालिदा की शादी की सालगिरह। मेरे घर के लोगों के मजाक से तुम्हें खराब तो नहीं लगा ना? हरगिज नहीं, शुक्रवार को हल्दी लगाकर नई साड़ी पहनकर घूमने जाने वाली मेरी माँ की याद आ गई, मैं बेहद खुश हूँ। अरे हाँ, सबके बारे में तो बता दिया, लेकिन तुम क्या करते हो ये नहीं बताया। ये कह लो IFS ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज? जी हाँ। तुम्हें उसमें दिलचस्पी है क्या? यकीनन, छोटी सी एक ख्वाहिश है, पापा के रिटायर होने के बाद उन्हें अफसर बनकर दिखाना है, मुझे बस सैल्यूट करना चाहते हैं इसलिए कर रहा हूँ। कहाँ पर? देहरादून। तो फिर यहाँ कैसे? यहाँ हर 2 साल में माता के मंदिर में बड़ा शानदार जुलूस निकलता है, अगले शनिवार को ही वो मुहूर्त है। हाँ सुना है मैंने। उस वक्त हम सब यहाँ पर रहकर एक साथ मजे करते हैं, इसलिए इस मर्तबा भी सब लोग आ गए। हम्म,
लीजिए आगे आपका रिसोर्ट। तो कल तशरीफ ला रही है ना? कोशिश करूंगी। ओह, मेरा नाम है सूर्या। अपने खानदान के तमाशे में मैं बताना ही भूल गया। कोई बात नहीं, आपके खानदान से मिलकर खुद को ही भूल गई मैं। मिलके अच्छा लगा। बाय बाय। ए, मुबारक हो, अब तुम जल्दी ही दूल्हा बनने वाले हो। ए, मार डालूंगी। अच्छा अच्छा, मुझे माफ कर दो। और क्या चल रहा है? अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। वो क्या है? मुझे आज यहाँ एक काफी मजेदार खानदान मिल गया। अच्छा, वो खानदान कितना अच्छा है मालूम है? जितने वक्त भी मैं उन लोगों के साथ रही, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई गैर हूँ। ऐसा लगा जैसे छुट्टियों में मैं अपने घर आई हूँ। अच्छी बात है, मैं तुम्हें छोड़कर आ गई ना, तुम वहाँ बोर फील कर रही होगी ना? ऐसा कुछ नहीं है, कल भी उन लोगों ने मुझे अपने घर आने के लिए कहा है और मुझे भी जाने का दिल है। तो सोचना क्या है, जाओ ना। ए, मुझे जरूरी काम है, बाद में कॉल करती हूँ। बाय। तुम नाराज हो ना? तुम नाराज हो ना? तुम्हें उस खानदान से नहीं मिलवाया इसलिए? तुम्हें उस खानदान से नहीं मिलवाया इसलिए? माफ करना, बुरा मत मानना। माफ करना, बुरा मत मानना। इस मर्तबा जरूर मिलवा दूंगी तुमसे। इस मर्तबा जरूर मिलवा दूंगी तुमसे। नहीं नहीं नहीं, इस गुड़िया से मैं गुफ्तगु करता हूँ। सुनिए मोहतरमा, आपकी ये गुड़िया गुफ्तगु करती है क्या? ये गुड़िया नहीं है, ये मेरी सहेली है। यूएस से खरीदी है। आप जो कहती हैं उसे दोहराती हैं? मैं जो भी बोलूंगी ये उसे दोहराएगी। तन्हाई दूर करने के लिए ये बेहतरीन तरीका है। मेरे दिल के अंदर भी एक आवाज उठ रही है। क्यों? इसे जरा मुझे देंगे, मैं भी गुफ्तगु करूं। माफ कीजिए, आप बोलिए, ये दोहराएगी। ऐसा है क्या? तू मोम की गुड़िया हो। तुम मोम की गुड़िया हो। हंसी की पुड़िया हो। हंसी की पुड़िया हो। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। ये गुड़िया तो बड़े काम की चीज है। अरे क्या किया? क्या है? क्या देख रहे हैं? ज़ईफ ज़ईफ़ा की मोहब्बत। आज तो आप किसी फिल्मी अदाकार की मानिंद दिख रहे हैं। कहीं तुम्हारी ही नजर ना लग जाए। अब तो नहीं लगेगी ना? बाप रे, उस रंग पर काजल कहाँ नजर आएगा, सफेद टीका लगाना चाहिए था। अन्नपूर्णा, पहली मर्तबा इस मुँह से जयाप्रदा की जगह अन्नपूर्णा कहकर बुलाया, ऐसा क्यों बोले? मुझे क्या मालूम? हमारी 30 साल की शादीशुदा जिंदगी में मुझसे शादी करके तुमने गलती की, ऐसा ख्याल तुम्हारे मन में कभी आया क्या? आज आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? बस यूं ही, सीता ने भी राम से शादी करके 14 साल तक ही वनवास किया था, लेकिन तुमने मुझसे शादी करके इतने साल से जंगल में ही घर बसा लिया है। बहुत बड़ी बात है ये, दुनिया क्या होती है ये भी नहीं जान पाई। अगर किसी और से शादी करती तो ज्यादा खुश रहती तुम। अरे बाप रे, जज्बात में तो मरते जा रहे हैं। एक पल में तुम्हारी वालिदा अगले 100 साल तक तुम्हारे वालिद के साथ ही बुक कर लेंगे, ये तो यकीनी है। इधर देखो, बीवी हो तो ऐसी। अच्छा? अरे क्या हुआ, कोई जवाब दिए बगैर जा रही हो? सालगिरह का तोहफा। हमारी 30 साल की जिंदगी में मैं सिर्फ 2 बार रोई हूँ। पहली मर्तबा जब मेरे वालिद गुजर गए और दूसरी मर्तबा आज जब आपने ये सवाल किया। कभी भी इस तरह का सवाल मत कीजिएगा, वरना मैं आपको माफ नहीं करूंगी। अरे माफ करो, मत रो, अभी आंसू बंद करो अपने। जब देखो जज्बाती मुकालमा मार मार कर उसे तोहफा लेते रहते हैं। कभी कोई तोहफा दिया है? पूछिए इनसे। ए, मेरी बीवी के लिए ये सोने का तोहफा। दे दिया तोहफा। मुबारक हो। शुक्रिया। शुक्रिया ससुर जी, सासू माँ को इतना अच्छा तोहफा देने के लिए। अरे शुक्रिया अदा तुम्हारा करना चाहिए। मुझे शुक्रिया किस लिए? ये खरीदने के लिए पैसे तुमने ही दिए थे। मैंने कब दिया? अरे मैंने कब दिया, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? 30-40 साल में मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। आप खामोश रहिए। अरे बाप रे, तुम तो मेरा बिल ही बना देती हो। अरे सबकी मौजूदगी में मारो मत, देखो किसका फोन बज रहा है।
कौन है आंटी फोन पर जो ये लोग अक्षरा को परेशान कर रहे हैं? अक्षरा का होने वाला शौहर है बेटी। वाकई? उसकी शादी मुकर्रर हो गई है। अक्षरा उस लड़के से मोहब्बत करती है। हैदराबाद में अक्षरा एक रोज जब कॉलेज जा रही थी तो उसकी कार से इसका हादसा हो गया था, और उसके बाद जब तक इसका इलाज चलता रहा वो अक्षरा के साथ ही रहा, और तभी इनके दरमियान मोहब्बत हो गई। अच्छा भाई जी, आपको खाना बनाने दोनों खानदान की तरफ से रिश्ता तय हो गया है, सिर्फ शादी की तारीख मुकर्रर करनी है। ससुर जी, आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। हेलो, अच्छा अच्छी बात है, इस फोन के जरिए पूरे खानदान को ये बताया जा रहा है कि जुलूस के ठीक बाद समधी जी, दामाद जी तारीख मुकर्रर करने आ रहे हैं। अरे देखो कैसे शर्मा रही है, पकड़ो पकड़ो। नहीं मालिक नहीं, मेरे बच्चे को मत मारिए मालिक, मत मारिए मेरे बच्चे को, मत दीजिए, मत दीजिए मालिक। और मारो, और मारो इसे, मेरे बच्चे को मत मारिए मालिक, मत दीजिए, मेरे पोते को मत मारिए मालिक। मैंने अपना बेटा पहले ही खो दिया है, अब यही हमारा सहारा है मालिक, अगर इसे कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। मत मारिए मालिक, जिंदगी भर हम आपकी सेवा करेंगे मालिक, मुझे कोई जमीन नहीं चाहिए मालिक। शिव जी, आप देख रहे हैं ना, ये आवाम हमें कितना गलत समझ रही है। ये समझ रहे हैं कि ये सब हम इनकी जायदाद के लिए कर रहे हैं। छी छी छी, हमारी आवाम ये हमें नहीं समझ पाएगी तो फिर हमें कौन समझेगा शिव जी? मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को इसने अनजाने में गलती की है मालिक। अरे रामलाल जी, मालिक आप हमें गलत क्यों समझ रहे हैं? अगर जान कर करता तो समझाने की क्या जरूरत थी, गलती से कर बैठा इसीलिए तो समझा रहा हूँ। हाँ अब तो चुप हो जाइए मालिक, आपसे मेहनत करती हूँ, छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को। वो क्या सिर्फ तुम्हारा ही बेटा है? हाँ? हमारे भी बेटे की मानिंद है वो, उसे मारने में हमें कितनी तकलीफ हो रही है मालूम है? उस तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए देखो हम दिन में ही शराब पी रहे हैं, पानी भी नहीं मिलाया इसमें। हाँ क्या है ये, क्यों मार रहे हैं, बंद कीजिए। सिनु मामा, इतनी बुरी तरह से उसे लोग पीट रहे हैं, ये सब लोग खड़े खड़े देख रहे हैं। वो एक शैतान है बेटी, शैतान से हिफाजत के लिए खुद भगवान को आना पड़ेगा, मामूली इंसान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ? यही सोचकर भगवान के आने का इंतजार करते रहेंगे क्या? पुलिस से तो शिकायत जा सकती है ना? उधर देखो, ये यहाँ पर मामूली बात है, पहले ये लोग जमीन पर कब्जा करते हैं, फिर जबरदस्ती करते हैं, वापस नहीं लौटाते, और यहाँ की जो पुलिस है वो कुछ नहीं करती। जवान लड़का था इसलिए गुस्से में शिकायत दर्ज करा दी, इन्हें इस बात का पता चल गया इसलिए इसका ये हश्र कर दिया। ए, अगर इसे किसी ने पानी पिलाने की जरूरत की तो उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। ये तो तुम्हें पानी भी नहीं पिलाने देना चाहता बेटा, लेकिन हम तुम्हें गैर मुल्की पानी पिलाऊंगा। इसका नाम शिवांग राज है, यहाँ का एमएलए है ये। बेटा पीले 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 बेटा पीले पीले नाले पीले। मेरा बच्चा, बच्चा मेरा बच्चा, कोई भगवान आएंगे कहा था ना आपने, कहाँ है वो? देखिए तो सही, इसे मरने की हालत में छोड़कर कितनी आसानी से जा रहे हैं। अगर हकीकत में भगवान होते ना तो इसके जैसे हैवान को जिंदा नहीं छोड़ते। भगवान आ गए, भागो निकलो यहाँ से जल्दी, इधर से इधर से।
پاک شیطان کے خاتمے کے مبارک موقع پر میرے جانب سے بہترین پارٹی अरे यहाँ फिर से मुलाकात हो गई। आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? बाप रे, ये तुम्हें कहीं सैर नहीं कराती है ना? मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें पूरा गांव घुमाऊंगा। तुम चलोगी क्या? तुम चलोगी क्या? ये तो कमाल हो गया। अरे मेरी टोपी कहाँ गई? सुन बेटा, इसे जरा प्यार से बटाओ, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। हाँ करता हूँ। चश्मा कहाँ गया? अरे वाह, ये तो बहुत चालू है। अगर तुम चालू हो ना तो इस बात को अच्छी तरह से समझ ले, मैं भी डबल चालू हूँ। अब तू मेरा कमाल देख, मुझसे खेल खेल रही है, है? है? देखा कमाल, कुछ भी गायब नहीं हुआ। अब बता क्या गायब करोगी? कबले नीचे तो देख बे अहमक। इस वक्त मुंह से ज्यादा जरूरी कुछ और छुपाना है बे, नीचे देख। अबे मेरे सूबे में चोरी चकारी सुसु करवा दूंगा। शैलू, शैलू, शैलू क्या हुआ? शैलू क्या हुआ बताओ ना, बताओ। शैलू, शैलू क्या हुआ बेटी, कितनी डर गई है? यहाँ बैठो, डरने की जरूरत नहीं है। अब बताओ क्या हुआ, बताओ ना बेटी। आज वो एमएलए और उसके खादिम सबकी मौत की वजह मैं हूँ। क्या कहा, तुम वजह हो? हाँ, अगर हकीकत में भगवान होते ना तो इसके जैसे हैवान को जिंदा नहीं छोड़ते। बस यही बात, वो तो इत्तेफाक से हो गया, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? इत्तेफाक से नहीं हुआ है, मेरे कहने की वजह से हुआ है। इससे कबल भी ऐसा हो चुका है। तुम जैसे हैवान को भी सड़क पर गोली मार देनी चाहिए। बस ये बात है, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। इसमें क्या है बेटी, उनके गुनाहों की टोकरी भर गई और वो दुनिया से रुखसत हो गए। इस वजह से तुम मायूस ना हो बेटी। तुम बिल्कुल डरो मत। हाँ आओ बेटी, सो जाओ। इसी जबान में तो कदीम वादों सी ताकत है। देखो मेरी भी दो ख्वाहिशें हैं, अगर ये बोल देगी ना फौरन मुकम्मल हो जाएंगी। वो क्या है जी? तुम्हारे वालिद साहब ज़ईफ हो जाएं और तुम्हें थोड़ी सी अक्ल आ जाए। अरे मार क्यों रही हो, जो फरमा रहा हूँ बजा तो फरमा रहा हूँ। नमस्ते। सियासत को खिदमत की जगह एक कारोबार समझने वाले आप जैसे शख्स आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरी एक आवाज पर आप लोग इतनी दूर तक मुझसे मिलने चले आए, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप सबको इल्म है मेरे अजीज दोस्त जयचंद्र जी ने अपनी इकलौती दुख्तर की शादी मेरे फर्जन से करवाया और उसके कुछ रोज बाद ही वो कैंसर से चल बसे। वो अपनी आखिरी वक्त में अपनी जेहानी परेशानी को रखकर मुझसे कई सारी बातें की। आपकी तरह नेक इंसान की हिमायत करना हमारे लिए फख्र की बात है। अवाम भी हम पर बहुत यकीन करती है, लेकिन सियासत का जिक्र होते ही सबसे पहले पैसे की बात आती है। एक जमात को शुरू करके अवाम के सामने खड़ी करनी है तो। जानता हूँ, जयचंद्र जी के इंतकाल के बाद उनका छोड़ा हुआ हजारों करोड़ रुपया ही हमारी बनाई गई जमात के पार्टी के फंड के तौर पर लगाया जाने वाला है।
मुझे पद्म भूषण मिला उसके एजाज में रखी जाने वाली तकरीब में मैं अपनी नई जमात का ऐलान करूंगा। वाह, मुझे लगा कि कोई बड़ा सा मंदिर होगा, ये तो बहुत छोटा है लेकिन खूबसूरत है। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, काबिले एतबार भी है। यहाँ दिया जलाकर जो मांगो वो हासिल होगा, ऐसा लोगों का अकीदा है। अरे वाह, इतनी जल्दी दिया जला भी दिया, ऐसा क्या मांगने वाली हो? खुफिया, नहीं बताऊंगी। ठीक है, रुको रुको। अब तो बता सकती हो ना, तुमने भगवान से क्या मांगा? अगर तुम्हारा खानदान मेरा हो जाए तो करोड़ों रुपए रिश्वत दूंगी भगवान को। भगवान को रिश्वत? बगैर रिश्वत दिए भी कुछ मांगा है मैंने। वो क्या? कि अगले जन्म में भी मैं अपने वालिद की ही बेटी बनूं। तो इसके लिए रिश्वत की पेशकश क्यों नहीं की? सैकड़ों यतीम लोगों को सहारा देने वाले मेरे वालिद भी तो एक भगवान ही है ना। जब वो भगवान मेरे वालिद की शक्ल में है तो मैं इस भगवान को रिश्वत क्यों दूं? ठीक कहा ना, वो मेरे पसंदीदा है। अच्छा ये बताओ तुमने क्या मांगा? कुछ नहीं। अच्छा, मुझसे तो सारी हकीकत जान ली और खुद कुछ नहीं बताओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुमकिन ही नहीं है। क्या मांगा है तुमने? मुझे जानना है, जानना है, जानना है। मैंने ऊपर वाले से तुमको मांगा। जी हाँ, कल शाम को वाइजाक से मेरी फ्लाइट है। कल दोपहर 2 बजे मैं रिजॉर्ट से चली जाऊंगी। 2 रोज और रुकना चाहिए था, ये यकायक क्यों जा रही हो? यकायक नहीं अंकल, जिस रोज आई थी उसी रोज कहा था ना कि अगले शनिवार जाने वाली हूँ मैं। मालूम नहीं क्यों बेटी, अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो उससे भी ज्यादा बुरा लग रहा है आंटी। शायद आप लोगों से ना मिलती तो ही मेरी खातिर अच्छा होता। ये जिंदगी तो एक ड्रामा है। जिंदगी में किरदार आते हैं चले जाते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अरे आप खामोश रहिए, किस वक्त क्या बोलना है आपको कुछ नहीं पता। तुम बोल सकती हो, मैं नहीं। कल किस वक्त जाओगी? दोपहर 2 बजे ना, कल हम सब भी मंदिर वाले मेले में आएंगे। हम भी तुम्हारे साथ तुम्हें छोड़ने चलेंगे, ठीक है? इजाजत दीजिए, बाय बाय। एक बात को दिल से कहना चाहता था, पहली मर्तबा मुझे तुम अपनी सी लगी है। अगर आज तुम चली गई तो पूरी जिंदगी हमारी मुलाकात फिर से होगी या नहीं इल्म नहीं, इसलिए कह दिया। हम तुमसे सिर्फ एक ही वादा कर सकते हैं, पिछले 4 रोज जो तुम्हें खुशी मिली वो खुशी हम तुम्हें पूरी जिंदगी अदा कर सकते हैं। जब तक हमारे जिस्म में जान है, खुशी से निकले आंसुओं को छोड़कर गम के आंसुओं को तुम्हारी आंखों से हरगिज नहीं आने देंगे, ये वादा करते हैं। कल मंदिर के पास हम तुम्हारे फैसले का इंतजार करेंगे। डैडी, सॉरी, आई एम सॉरी बेटा। यहां आने के बाद काफी मशरूफ हो गया था इसलिए राब्ता नहीं कर पाया। कैसी हो? सब कुछ दुरुस्त चल रहा है ना? अच्छा, मैं तो मशरूफ था लेकिन तुमने भी रابطہ नहीं किया, कोई खास बात?
मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया है डैडी। वाह, मुबारक हो। डैडी मुझे उसके मुतालिक बताने तो दीजिए। कोई जल्दी नहीं है बेटा, एक लड़के ने तुम्हें प्रपोज किया है, उसे जवाब देने के लिए तुम मुझसे मशवरा करना चाहती हो, मतलब उस लड़के ने तुम्हारे दिल में जगह बना ली है। मैंने वजह फरमाया ना। अम्मी के गुजर जाने के बाद 10 साल से मेरे अंदर जो एक तन्हाई थी, उस लड़के के खानदान से मिलने के बाद 5 रोज में ही सब गायब हो गई। वो लड़का भी मेरा बहुत ख्याल रखेगा डैडी, और उस खानदान से मिलकर मालूम होता है कि जैसे अब हम लोगों के बिना रह ही नहीं पाएंगे। वो लोग बहुत अच्छे हैं डैडी। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ बेटे, तुम्हारी खुशी में ही तुम्हारे डैडी की खुशी है। मैं बहुत जल्द ही उस खानदान से मिलकर उन लोगों से बात करूंगा, तुम्हारी खुशी तुम्हें हासिल होगी, वो भी बहुत जल्द। सॉरी, मैंने आपको कोई और समझ लिया। शैलू, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, किसे तलाश रही हो तुम? वो सूर्या की तलाश कर रही हूँ सिनु मामा। ये सूर्या कौन है? ओ, आपको नहीं मालूम ना? सूर्या मतलब वो फॉरेस्ट गार्ड दिनेश जी का फर्जंद, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो मंदिर आएंगे, मुझे देरी भी हो रही है और किसी तरह उन लोगों से मुलाकात भी करनी है। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम किसके मुतालिक बात कर रही हो बेटा? फॉरेस्ट गार्ड दिनेश जी के खानदान के मुतालिक? जी हाँ। अब वो खानदान नहीं रहा बेटा, 2 साल कबल ही सबका इंतकाल हो गया। कैसा मजाक कर रहे हैं आप लोग? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है? उस खानदान के साथ 5 रोज गुजारे हैं मैंने। मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन करना पड़ेगा, और जानती हो क्यों? जिस दिनेश का जिक्र कर रही हो तुम, वो मेरा दोस्त था, और उसकी बीवी को मैं अपनी सगी बहन मानता था। उसके घर का बड़ा दामाद मेरा बेटा था, और वो लड़का सूर्या मेरा भांजा था। सब लोग एक साथ 2 साल कबल मारे जा चुके हैं। नहीं, नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं हो सकता। पुरसुकून हो जाओ बेटा, मेरे साथ आओ। ये देखो, ये उन सब का मकबरा है। नहीं,
शैलू रुक जाओ शैलू। शैलू कहाँ जा रही हो तुम? कैसे आ गई? मेरा नाम बनी है, मैं यूकेजी में पढ़ती हूँ। शैलू, बेटा शैलू, डार्लिंग। हाँ? कमरा चाहिए? सॉरी, हमारे रिसॉर्ट में ब्लू फिल्म शूट करने की इजाजत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? ब्लू फिल्म? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें ब्लू फिल्म बनाकर उसे बेचने वाला नजर आता हूँ क्या? अच्छा तो फिर? रूप सिंह, सनसनीखेज रूप सिंह, क्राइम रिपोर्टर। पहले जहाँ सेंसेशन होता था मैं वहाँ रहता था, और अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सेंसेशन होता है। हाँ, और उसमें मेन है रेप सीन, जैसे आंखों के सामने हो रहा हो। शानदार, उसकी खूबसूरती सर सबको दिखाते हैं। सिर्फ इतना ही क्यों? सद्दाम हुसैन के काले कारनामे को मोबाइल फोन पर शूट करके वर्ल्ड ब्लॉकबस्टर खबर बनाने वाला इल्म है कौन है? रूप सिंह, सनसनीखेज रूप सिंह। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों आए हो? मुझे इल्म हुआ है कि एक लड़की ने रूहों के साथ कुछ दिन गुजारा है, उसी खबर को कवर करके उसे पूरी दुनिया में सनसनीखेज खबर बनाने के लिए आया। अब तबीयत कैसी है? अब सिर घूम रहा है। हेलो, मेरा यहाँ का दौरा जरा बढ़ गया है बेटा, यहाँ दो रोज और लगेंगे। तुम घर में हंगामा खड़ा मत करना। मैं घर पहुंची ही नहीं डैडी। ऐसा क्या हुआ? तुम तो कल ही निकलने वाली थी। मुझे बचपन से कोई नफ्सियाती मसला है क्या जो आपने मुझसे छुपाया है? क्या कह रही हो, ऐसा तो कोई मसला नहीं है बेटा। तो फिर वो क्या है पापा? मैं 5 रोज से जिस खानदान के साथ रह रही थी वो है ही नहीं, सबका इंतकाल हो चुका है। किस खानदान के मुतालिक बात कर रही हो? मैंने आपसे कहा था ना कि एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया है। उसका और उसके खानदान का 2 साल कबले इंतकाल हो चुका है। तुम अभी हो कहाँ? रामापुरम में हूँ, वाइजैक से 120 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा, इल्म हुआ कैसे इंतकाल हुआ? तुम एक काम करो, फौरन घर वापस आ जाओ। मैं नहीं आ सकती पापा। लेकिन क्यों? हकीकत क्या है इसकी मालूमात हासिल किए बगैर आई तो मुझे दुनिया में नजर आने वाली किसी चीज पर यकीन नहीं होगा। और इस वजह से कुछ साल में मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी पापा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। ये सब मत कहिए पापा, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, वहाँ क्या हुआ था इसका इल्म करने के लिए तफ्तीशी अफसर को भेज रहा हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। यस यस, सेम लुक, ऐसा ही खौफ चाहिए। हिचकॉक फिल्म की अदाकारा लग रही हो। चलो चलो चलो, मेकअप कराओ। कौन हो तुम लोग? जरा रुको, इधर आओ। रूप सिंह, सनसनीखेज रूप सिंह, एक इंटरव्यू से तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मालूम है इतने रोज से तुम जिनके साथ रह रही थी वो रू मर्द थे, खवातीन थी या बच्चे रू भी थे? चलो चलो बताओ मुझे। ए, कौन हो तुम? ये भी सदमे में है, बात नहीं कर सकती। सदमे में है? इनसे कैसे बात कर दिया मालूम है मुझे, यही तो मेरी सलाहियत है। दोबारा अगर तखलीकी सलाहियत है रूहों का जिक्र किया तो खाल खींच लूंगा। खाल खींच लेंगे, बहुत बढ़िया जनाब। मेरी खाल खींच के 4 अफराद के चप्पल बनवा दीजिए। देखा ना, मुझसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी ना। जी, यही है रूप सिंह जहीन इंसान, यही एक्सप्रेशन
बस ऐसे ही दो तीन मुझे दे दो। hey! चलो चलो चलो। बात समझ में नहीं आ रही क्या? क्रिएटिविटी के कत्ल मत कीजिए सर। ये क्या था जनाब? वक्त कुछ देर के लिए रुक गया था। कब तशरीफ लाए? When did you come? जब वक्त ने बुलाया। hey! खामोशी से निकल जा, अगर कुछ देर और रुका तो तेरे पैर तोड़ दूंगा मैं। hey! तुमसे मुखातिब है, अगर कुछ देर और रुके तो कैमरा पैर से तोड़ देंगे। कैमरे को नहीं तोड़ूंगा, तुझे तोड़ डालूंगा। मुझे? चले जाओ। आओ बेटी। जनाब जनाब जनाब, हाँ? शॉट जबरदस्त आया है जनाब। दिखाओ। हमारा तो एक बार था, इतनी बार कैसे दिखाया? इफेक्ट डाला जनाब। इफेक्ट डाला? हाँ? है चलो दिखाओ। हाँ? मैं और बेहतर इफेक्ट डालता हूँ। ये ले, ये ले, ये ले, इफेक्ट। हाय, मैं हूं गुरु, मुंबई से तशरीफ लाया हूं आपके मामले की तफ्तीश के लिए। सूर्या के खानदान के मुताल्लिक कुछ बता सकती हैं आप? वो मेरे रिश्तेदार थे, सिर्फ इसलिए नहीं, वाकई वो काफी नेक खानदान था। आसपास के लोगों को कोई भी जरूरत होती तो वो लोग आधी रात को भी मदद करते थे, इसीलिए हर किसी को उनसे वाबस्तगी थी। इतने नेक खानदान का इंतकाल कैसे हुआ? 2 साल कबल के मेले में हर बार की तरह पूरा खानदान इकट्ठा हुआ था। सूर्या को छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए वो एक रोज के बाद आया। लेकिन जब तक सूर्या वहां पहुंचा, उसके पूरे खानदान को मार दिया गया था। किसने मारा उन लोगों को? एक नफ्सियात ज़दा ने पूरे खानदान को मार डाला। तो फिर सूर्या? खानदान की लाश देखकर उसे गहरा सदमा लगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और पहाड़ी से अबशार में कूदकर खुदकुशी कर ली। इन्हीं हाथों से उसकी आखिरी रसूमात की। उसके खानदान की कोई तस्वीर देख सकता हूं मैं? नहीं है, कब्ल तो थी मेरे पास, लेकिन जब वो तस्वीर देखता था तो मेरा जख्म और ताजा हो जाता था, इसलिए सबको जला दिया मैंने। अब क्या होगा? अब तो उन लोगों की तस्वीर भी नहीं है। फिक्र ना करो, जिस तरह हर रात की एक सुबह होती है, उसी तरह हर परेशानी का एक हल भी होता है। हमें ढूंढकर उसे पकड़ना होगा। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? एक पूरा खानदान अगर मारा गया है तो वो एक बहुत बड़ी खबर होगी। यहाँ के अखबारों ने यकीनन उस खबर को अहमियत दी होगी। 2 साल पहले के वो सारे अखबार अगर मिल जाएं तो सारे राज खुल जाएंगे। दस जून को उस खानदान को मारा गया था, मतलब 11 तारीख का अखबार हमें चाहिए। यस, मिल गया मुझे। ये वो लोग नहीं हैं। एक हफ्ते बाद सूर्या की लाश बरामद हुई थी, मतलब 18 का अखबार। यही सूर्या है। ये बड़ा खेल है। ये सब बनावटी इंतजामात हैं। फिल्म में या सीरियल में खंडहर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही सब सामान है ये। ये पौधा और वो तुलसी का पौधा, सब कुछ रातों रात सेट किया गया है। यूसुफ सर। Thank you.
मेरे खानदान की तस्वीर? तुम्हारा पीछा किया गया। तुम्हारी पूरी जानकारी हासिल करने के बाद तुम्हें इस जगह पर लाया गया है। इसके पीछे का असली किरदार है सूर्य। इंटरनेट के जरिए बनी तुम्हारी सहेली सुजाता उससे ही मिली हुई है। वैसा चलते हैं, वहाँ मेरे मामा हैं। और यहाँ रहकर पूरा मंसूबा बनाने वाले दूसरे सिपहसालार हैं ये। 120 किलोमीटर दूर रमापुरम नाम का एक सिहायती मकाम है। लेकिन क्यों किया आपने ऐसा? वो सब बाद में बताएंगे, पहले आपको यहाँ से निकलना होगा। कुछ समय बाद आपसे मिलता हूँ। यूसुफ, इनके साथ रहो। मैडम। सूर्या, अब तक खेला गया आंख बिचौली का खेल बहुत हो चुका है, अब ओपन गेम खेलते हैं। आ जाओ। उस गेम का नाम मालूम है क्या है? वॉर, जंग। आओ आओ सूर्या, खेल शुरू करते हैं। गलती कर रहे हो तुम। ऊपर वाला मौद्दे तभी कबूल करना चाहिए, चीख कर दावत नहीं देना चाहिए। इसी में अक्लमंदी है। देखते हैं। पकड़ो उसे। खानदान बताया, कहा था मुझसे मोहब्बत करते हो, पूरी जिंदगी जान की तरह रखोगे, ये भी कहा, सब झूठ था क्या? मैं नाराज नहीं हूँ, तकलीफ हो रही है मुझे, बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतने लोगों से तारुफ कराकर मुझे धोखा क्यों दिया? क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। मेरा मारा गया खानदान वापस कर सकती हो? हाँ, ये मेरा खानदान नहीं है, इसके लोग जरूर बदले हैं, लेकिन प्यार वही है, वही हंसी मजाक। चाहिए। 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 चाहिए।
अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अरे नहाने से कोई ऐसे भागता है क्या? अरे आराम से बैठ। वही सारे रिश्ते, सारी तकलीफें भी वही। हर दो साल में होने वाले जश्न में हम कहीं भी हो लेकिन यहाँ तशरीफ लाते थे। सब लोग एक दूसरे से मिलते थे, खुशी से सब बच्चे बन जाते थे। उसी तरह आखिरी मर्तबा भी सब लोग मिले, लेकिन इसमें जरा सा फर्क आ गया। मालूम है क्या, मेरी बहन को एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी। जानती हो वो लड़का कौन था? तुम्हारे भैया। कबल तो हम लोग डर गए थे, खासा दौलतमंद लोग हैं, मालूम नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन तुम्हारे वालिद अच्छे इंसान थे, शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन जिस वजह से पूरा घर खुश था, मैंने उस खुशी को खो दिया, क्योंकि उस वक्त मैं देहरादून में तरबियत कर रहा था। अरे सुन सुन सुन, तू घर जा रहा है क्या? हाँ मेला है ना। कौन सा मेला भाई? तुझे तो मैं बचपन से मेरे साथ रह रहा है ना, तुझे तो इल्म है ना मैं उस मेले को कभी मिस नहीं करता। ओ अच्छा वो मेला। तुझे मेले के लिए छुट्टी दे देते हैं, मुझे तो मेरी सासू माँ के इंतकाल पर भी छुट्टी नहीं मिली। चुप बे, छुट्टी के लिए अपनी सासू माँ को कितनी दफे मारेगा? अरे कोई बात नहीं, छुट्टी के लिए चाहे जितनी दफे मार लूं, ज़ैफ ज़ैफा होते ही इसलिए। तू एक काम करना, ये काम छोड़ दे, किसी कंपनी में मुलाजमत कर ले, वहाँ हफ्ते में दो रोज की छुट्टी मिलेगी। मुझे इतनी भी जरूरत नहीं है। अगर तू इस काम में अपने पापा के लिए भर्ती हुआ है तो मैं भी अपने गांव के लिए भर्ती हुआ हूँ। गांव के लिए? हाँ, मेरे गांव में आने वाली हर बस को मेरे गांव वाले देखते हैं तो सोचते हैं कि गोविंद आएगा तो हमारी परेशानी दूर करेगा। छोटे बड़े, ज़ैफ ज़ैफा, नौजवान, लड़का लड़की, हर कोई, और ऐसे कई और मखलूक जो भी मेरे गाँव में है, नजर बिछाकर मेरी राह देखते हैं। ऐसा क्यों? मैं चित्रू का रहने वाला हूँ ना, वहाँ जंगल में बहुत सारे चूहे हो जाते हैं, वो आकर हमारे खेतों में घुसकर फसल को खराब कर देते हैं। उन चूहों की नस्ल को रोक के मेरे गांव की हिफाजत करना ही मेरा हदफ है। वाह बहुत हो, शुक्रिया। तो अब तुम उन्हें मारना चाहते हो? नस्ल को रोकना मतलब मारना नहीं होता, मैं फॉरेस्ट अफसर बनकर वहाँ तबादला लेकर जंगल में जाकर उन चूहों के लिए बड़ा बड़ा कॉन्डोम बनवाकर उनसे इस्तेमाल करवाऊंगा ताकि उनकी आबादी कम हो जाए। जनाब चूहा और उनके लिए कॉन्डोम? बिल्कुल जनाब। क्या बात कर रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या? इनका रिएक्शन देखकर मुझे बहुत कोफ्त हो रही है। अब तू ऐसे मत घूर, चलना यार। अबे कमीने, ऐसे नहीं घूरू तो क्या करूं? ठीक है ठीक है, तू नाराज मत हो। अरे हाँ, अक्षरा की शादी की आज बात होने वाली थी, क्या हुआ? मेरे मुताबिक तो घर के लोग शिवाजी के फोन का इंतजार कर रहे होंगे। नाना जी फोन आ गया। जनाब ये तरीका ठीक नहीं है भाई साहब। क्या हो गया जनाब? मैं आपको भाई साहब कहके करीब लाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप है कि जनाब कहके मुझसे दासला कर रहे हैं। अरे बाप रे, ऐसा मत कहिए, आप हम लोगों से बड़े पैसे वाले हैं इसलिए। दौलत और पैसे होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है भाई साहब। किसी इंसान के इंतकाल पे उसके जनाजे में जमा होकर रोने वालों की तादाद देख कर ही ये कहा जा सकता है कि वो इंसान कितना बड़ा है। मैंने कुछ गलत बोल दिया तो माजरत चाहूंगा। आपकी तरह नेक इंसान के घर मेरी दुख्तर बहू बनकर जाए तो एक बाप के लिए फख्र की बात होगी जनाब। मुझसे पंडित जी ने कहा है कि अगले माह बहुत अच्छा मुहूर्त है, हम कल ही आपके घर तशरीफ ला रहे हैं तारीख मुकर्रर करने के लिए। अरे ये तो खुशी की बात है, रिश्ता पक्का करने के लिए वो कल तशरीफ ला रहे हैं, अगले माह शादी हो जाएगी। फोन आया, क्या कहा? अरे क्या हुआ, सबका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कल ही सगाई हो रही है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? एक हाथ दूंगा ना। एक अच्छी खबर है। क्या हुआ? अक्षरा की कल ही सगाई है। सगाई? क्या खबर सुनाइए, तब तो दावत होनी चाहिए। आ गले लग जाओ। रामपुर के बाशिंदों को आगाह किया जाता है कि ज़हनी तौर पर बीमार एक पागल पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है। उस पागल ने अभी तक कई अफराद का कत्ल कर दिया है, वो आगे भी कत्ल करेगा इसकी गुंजाइश है, इसलिए आप सब होशियार रहिए। कोई नामालूम शख्स आपको नजर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला कीजिए। अपने घर से कोई भी बाहर ना निकले, सब लोग अपने घरों के अंदर रहें।
खाना नहीं खाया तो दूध तो पी लो बेटी। आहा, नहीं चाहिए। कैमरा से खेलते खेलते इसे भूख नहीं लगती। पहले उस कैमरे को छुपा दो। मुझे दे दो। नहीं दूंगी। तुम ऐसे तो मेरी कोई बात नहीं सुनोगी। मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, हरगिज नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। हाय, कौन है आप? किससे मिलना है? ओह, कल के जश्न के लिए आए हैं क्या? आइए ना, मेरे नाना जी अंदर हैं। आइए ना अंकल, तशरीफ लाइए। आप हमारे पहले मेहमान होंगे, मालूम है। आइए ना नाना जी, मेहमान आए हैं। ए, कौन हो तुम? अक्षरा, अक्षरा, चलो यहाँ से। अरे पागल, सबको बात कर, चलो यहाँ से, जल्दी चलो। इतने सारे पुलिस वाले हैं, इतने फोर्स है आपकी, क्या करते हैं आप लोग? जितनी शिद्दत से आप लोग तनख्वाह लेते हैं, उतनी ही शिद्दत से जिम्मेदारी भी निभाई जाती है। इल्म नहीं आप लोगों को? वहां देखिए कितने मासूमों को बेरहमी से मार डाला, और यहां पर ये क्या है ये सब? बन्नी, गुड़िया, 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 गुड़िया क्यों बात नहीं कर रही है? वो एक पागल था, उसने सबको मार दिया। छोटी सी बच्ची पर भी रहम नहीं किया उसने। Thank you.
पुलिस ने बुलाया है। अब छी छी छी, इसकी तो शक्ल देखकर ही लगता है कि ये एक पागल है। आओ बेटा आओ, तुम्हें देखकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की है ऊपर वाले ने, लेकिन हम जैसे नेक लोगों को तकलीफ झेलनी ही पड़ती है। आपने बुलाया है? कल आपके खानदान के साथ साथ जंगल में कुछ लड़कों को ले जाकर मारने वाला यही है। ये यहाँ है जानकर हम लोग जब इसे पकड़ने आए तो ये हमारे ऊपर गोली चलाने लगा, इसलिए इसका इनकाउंटर करना पड़ा। यही है उस पागल की लाश। आप में से कोई थाने आकर साइन कर दीजिए तो 2-3 रोज में केस बंद करके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा। कौन चलेगा? हम चलेंगे। गुड़िया, ये कौन था? शिवाजी राव का कार ड्राइवर, मेरे खानदान को इसी ने मारा था। उस पागल से बचकर रहने के लिए पुलिस का ऐलान और उसी वक्त इसका मेरे खानदान को मारना, पुलिस का किसी और को मारना और केस बंद होना, यह सब एक मंसूबे के तहत हुआ है। पर इन सब को अंजाम किसने दिया होगा? काम हो गया क्या? यही उम्मीद थी तुमसे।
शिवाजी राव। उसके बाद लाश को आबशार से नीचे फेंक दिया। एक हफ्ते बाद शिनाख्त ना होने पर उस ड्राइवर की लाश को सूर्या का नाम देकर इस दुनिया को यकीन दिलाया, और उस हादसे के बाद से ही सूर्या दुनिया से छिप कर जी रहा है। नहीं, मेरे पापा ऐसा क्यों करेंगे? कैंसर से मरने वाली जयचंद्र की दुख्तर को अपनी बहू बनाकर उससे मिलने वाली करोड़ों की जायदाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने में खर्च कर सके, ये ख्वाब था उनका। जब मेरी बहन से तुम्हारे भैया को मोहब्बत हो गई तो उनको अपना ये ख्वाब टूटता हुआ नजर आया, इसलिए ये सब किया। सिर्फ मेरी बहन को मारते तो उन पर शक हो जाता, इसलिए यहाँ के पुलिस अफसर और MLA की मदद से पागल की अफवाह फैलाकर मेरे खानदान के साथ कुछ बेकसूर लोगों को मारकर इसे गांव में एक हादसे की शक्ल दे दी गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हकीकत बता रहे हैं। जब तुम्हारे वालिद ने कहा था कि अगले माह शादी है तो उसे सच मानकर दीवानों की तरह कितने ख्वाब सजाए थे सबने, लेकिन आखिर में क्या हुआ? खुशियों से भरा हुआ वो प्यारा सा घर जिसे तुमने देखा था एक शमशान में तब्दील हो गया। उस दर्द का एहसास दिलाने के लिए हमने ये सब किया। मुजरिम को मारने के लिए कब्ल उसके आसपास वालों को मारना जरूरी होता है, इसलिए इस मंसूबे का हिस्सा बनकर पुलिस अफसर और MLA को मैंने मार डाला। तुम्हारे वालिद को भी मार सकता था, लेकिन उनके हालात अभी अलग हैं, क्योंकि अभी तो वो अवाम में किसी अजीम शख्स की तरह पूजे जाते हैं। उनकी हकीकत दुनिया के रूबरू आने से कब्ल अगर मैंने उनको मार डाला तो वो अवाम की नजर में खुदा बन जाएंगे। उसी हकीकत को बताने के लिए तुम्हारे रूबरू खड़ा हूं कि मैंने अपना क्या क्या खो दिया, मेरे पास क्या क्या था, उसका एहसास दिलाना चाहता था, एहसास कराना था कि उसमें कितनी खुशी थी। इसलिए मैंने अपने दोस्त की मदद से मैंने अपना एक नकली खानदान बनाया, उसमें तुम्हें भी शामिल किया, प्यार और रिश्ता कैसा होता है ये तुम्हें दिखाकर खुशी का एहसास कराया। उसके बाद प्यार की वजह से तुम्हारे करीब आ गया। यह हकीकत तुम्हें ही बतानी होगी क्योंकि तुम उनकी दुख्तर हो, इसलिए दुनिया तुम्हारी बात पर यकीन करेगी। काम हो गया ना? आपकी दुख्तर को इल्म हो गया है, ख्याल रखिए। फौरन इंडिया के लिए 2 टिकट बुक करवाओ। ये तफ्तीश के लिए यहां नहीं आया था, मेरा कत्ल करने के लिए तुम्हारे वालिद ने यहां भेजा था। पद्म भूषण मिलने के मौके पर उनका एहतराम किया जाने वाला है, उस इज्तिमा में ही उनका पर्दाफाश होना चाहिए। क्या शिवाजी राव ने एक खानदान को मार डाला था? अगर यह हकीकत है तो इससे बड़ी खबर कोई हो ही नहीं सकती। वो बख्शा नहीं जाना चाहिए, कैसे भी फॉलो करना होगा। आओ गुरु, मारा गया रॉबिन, जिस शख्स ने गुरु को मारा है वो कोई मामूली शख्स नहीं है, काफी ताकतवर इंसान है। जिस ख्वाब को 40 साल से मैं सजा रहा हूं उसे तोड़ने की शुरुआत कर दी है उसने। किसी भी तरह वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। मेरे हाथ से खाओगी ना? गुड गर्ल, लो खाओ, मुंह खोलो। ये हुई ना बात। स्टॉप इट। क्या हुआ? बात मत कीजिए मुझसे, बंद कीजिए ये बकवास। अब हुआ क्या है बेटा? क्यों ड्रामा कर रहे हैं आप डैडी? लेकिन बात क्या है? आपने ही उस खानदान को अपने ड्राइवर के हाथों रातों रात मरवाया या नहीं, बोलिए। मैं बताती हूँ मेम साहब। लक्ष्मी, नहीं नहीं जनाब, हकीकत तो बतानी ही होगी, नहीं बताऊंगी तो इनकी नजर में आप ही गलत हो जाएंगे। तुम कौन हो? सूर्या के खानदान को मारने वाले ड्राइवर की बीवी हूँ मैं। करीब 2 साल कब्ल हर रोज की तरह हम नोश फरमा रहे थे और यकायक उनके लिए किसी का फोन आया। वहां गए तो उनके सामने पेशकश रखी गई सूर्या के खानदान को मारने की। उस पेशकश को लेकर हम दोनों पूरी रात सोचते रहे। हमें उन पैसों का लालच नहीं था,
लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो हमारी जान चली जाती। उस डर से उन्होंने वो पेशकश कबूल कर ली। लेकिन आपको एक बात का इल्म है, उस रोज उस खानदान को मारने के लिए उन्हें किसने बुलाया था, वो फोन किसने किया था आपको मालूम है? आपके वालिद ने नहीं किया था वो फोन, उनके दोस्त जयचंद्र ने किया था। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी बेटा। उनकी इकलौती दुख्तर को अगर मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा तो उनकी दुख्तर के साथ उनकी पूरी जिंदगी की कमाई गई हजारों करोड़ रुपए सही हाथों में जाएंगे। यह फैसला उन्होंने कब ही कर लिया था। इसका इल्म होने पे कि तुम्हारे भैया को किसी और लड़की से मोहब्बत है, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। इनके इंतकाल के बाद लक्ष्मी ने डर से यह बात मुझे नहीं बताई, लेकिन बाद में जब मुझे मालूम हुआ तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जल्दबाजी में कुछ तो गलत हो गया है, अब मुझे उसे दुरुस्त करना होगा। इसलिए सूर्या से तुम्हारी शादी करवा कर उसको अपने खानदान का हिस्सा बना लेता हूं। डैडी, सूर्या को मुझसे मोहब्बत नहीं है। अब उस रोज उसने मुझसे अपनी जरूरत के लिए मोहब्बत का इजहार किया था, वो मुझसे हकीकत में मोहब्बत नहीं करता। लेकिन तुम तो उससे प्यार करती हो ना? मैं उससे बात करूंगा। सूर्या को बुलाकर लाओ, जाओ। मुझे माफ कर दीजिए। कुछ हकीकत तारीकी में ही रहना चाहिए, अब उस तारीकी को हकीकत बना देना होगा मुझे। मेरी दुख्तर शैलू अभी भी मोहब्बत की तारीकी में है रॉबिन, उस वहम के टूटने से कबल सब खत्म हो जाना चाहिए। सूर्या कहाँ है अगर इसका इल्म करना है तो कहानी जहां से शुरू हुई थी उसी कड़ी में जाकर तलाशो, सुराग मिलेगा। मेरे मुतालिक इल्म रखने वाला कोई शख्स जिंदा नहीं रहना चाहिए। वजीरे आला और गवर्नर के साथ शिवाजी राव भी उस इज्तिमा में शरीक होने वाला है। मैं भी यही चाहता हूँ। अब से कुछ ही घंटों में अवाम के रूबरू वो अपनी करतूत अपनी दुख्तर की जुबानी सुनने वाला है। लेकिन सिक्योरिटी काफी टाइट हो गया तो उसमें क्या है? दूसरी मरतबा शैलजा को सिपर बनाकर अंदर दाखिल हो जाएंगे। शैलजा बहुत मासूम बच्ची है बेटा, अभी अभी तो इसने उसे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया है। इसने उसे धोखा नहीं दिया है पापा। शैलू जितनी मोहब्बत इससे करती है उससे ज्यादा ये उससे मोहब्बत करता है। सच में? हाँ माँ, अगर इसे मोहब्बत ना होती तो उस गुड़िया को इतनी हिफाजत से क्यों रखता? उसका पीछा करते वक्त, चाहे उसके साथ बिताए पल में, कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि वो किसी दुश्मन की दुख्तर है। मोहब्बत का एहसास ही हुआ है। मैं पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें मांग रहा हूं। मंसूबे के मुताबिक उसे प्रपोज करते वक्त भी वो अल्फाज यहां से नहीं निकले, यहां से आए थे। प्यार की वजह से मैंने अपना घर खो दिया, यही बताने की मैंने कोशिश की, लेकिन वहां भी फिर से प्यार ही पैदा हो गया। की वजह से मैंने अपना घर खो दिया, यही बताने की मैंने कोशिश की, लेकिन वहां भी फिर से प्यार ही पैदा हो गया। कल गुरु और आज तुम कैसे नाकाम हो गए रॉबिन? एक शख्स को नहीं मार सकते तुम लोग। और कितनों को मारोगे शिवाजी? ये सूर्या का मामा है। देखो, नुकसान हमारा हुआ है, तुम्हारा नहीं। उसके बावजूद तुम हमारे पीछे पड़े हो, ये गलत है शिवाजी। क्यों, मार दोगे क्या? कल तक तो ऐसे ही ख्यालात थे। तो फिर
अब क्या हुआ, डर लग रहा है? बजा फरमाया, सूर्या शैलजा से मोहब्बत करता है इस बात का इल्म होने के बाद वाकई डर लगने लगा है। हमारे दरमिया की लड़ाई में कहीं शैलजा सूर्या से दूर ना हो जाए, यही डर लग रहा है। पूरे खानदान को मार डाला, जिसकी जिंदगी में सिर्फ तकलीफ हो उसके लिए शैलजा सिर्फ अकेली खुशी है। उसे बनाए रखना है तो उसे शैलजा से शादी करनी होगी, उसे खानदान बनाना होगा, वो घर उनके बच्चों से फिर से खिलखिलाना चाहिए। शैलजा बेहद मासूम है, सूर्या के साथ वो खुश रहेगी, शिवाजी राव की तरह नहीं एक वालिद की तरह सोच कर देखो। क्या सोचने को कह रहे हो, उन दोनों की शादी कराकर मैं अपना गुनाह कबूल करके कैद खाने चला जाऊं? हरगिज नहीं, सूर्या बहुत ही शातिर लड़का है, मेरे ही दुख्तर को मेरे खिलाफ भड़का कर मेरे ही सामने खड़ा करना चाहता है, इसीलिए जिसकी बात पर उसे यकीन हो उस इंसान को उसके सामने लेकर आया मैं। वही सूर्या के खानदान को मारने वाले मेरे ड्राइवर की बीवी। ड्राइवर की बीवी? वो कहाँ है? वो तो हादसे में मारी गई थी ना। लेकिन इसका इल्म शैलजा को नहीं है ना, और इसी बात पर उसे यकीन हो गया। एक और खास बात, उस ड्राइवर की बीवी का हादसा करवा कर मैंने ही मरवाया था। वो क्या है ना कि मैं उस हादसे से जुड़े सारे सबूत मिटा देना चाहता था, ठीक वैसे ही अपने दोस्त जयचंद्र की भी जान मैंने ही ली थी। मालूम है उसके दुख्तर से मेरे फर्जंद की शादी होने के कुछ रोज बाद ही वो क्यों मर गया? शादी के बाद उसकी जरूरत पूरी हो गई थी, इसीलिए मैंने उसे मरवाया था। इस तरह से अपनी जिंदगी की राह में सही या गलत की परवाह किए बगैर सबको मारता हुआ क्यों मुसलसल बढ़ रहा हूं मालूम है? मेरी जिंदगी का मकसद है वजीर आला होदे की कुर्सी हासिल करना। ऐसे ख्वाब के दरमियान आने वाले तुम लोगों को मैं कैसे जिंदा बख्श देता? उस सूर्या को, तुम्हें और तुम्हारी मदद करने वाले उस खानदान के बच्चा हो या जईफ, कोई जिंदा नहीं बचेगा। मार डालो इसे। जिस बच्चे को अपने हाथों से परवरिश करके मैंने बड़ा किया तू उसे मारेगा, ये जानकर मैं कैसे खामोश रहूंगा? शराफत से समझ गया तो ठीक, नहीं तो तुझे यही मारकर सूर्या की हिफाजत करूंगा। दोनों फैसला मैं करके आया था। सूर्या पकड़ा गया और हमने उसे मार डाला। सूर्या उसकी बोटी बोटी कर डाली है। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। अगर इसकी लाश ठिकाने लगा दूं तो किसी को खबर नहीं होगी इसका क्या हुआ। नहीं, अंधेरे में बैठे दुश्मन को अगर बाहर बुलाना है तो इसको सामने रखना होगा। इसके मोबाइल फोन में सूर्या का नंबर होगा, फोन लगा उसे। सीनु मामा? शिवाजी। रिंग रोड पर खतरे की कोई कमी नहीं है ये जानकर भी तुम्हारा शीनू मामा बड़ा ही तेजी से वहां आया था। बेचारे का हादसा हो गया,
उसकी लाश लवारिश की तरह सड़क पर पड़ी है। गौर से देख लो, इसकी लाश को सड़क पे फेंको, वो जरूर आएगा, उसे वहीं मार डालो। मेरा एहतिराम होने के कबल ही दुश्मन का खात्मा हो जाना चाहिए। सनसनीखेज खबर के लिए तुम्हारा पीछा किया ये हकीकत है, लेकिन शूट सिर्फ उसके लिए नहीं किया। सूर्या के खानदान के आखिरी इंसान को भी तुम्हारे वालिद ने मार डाली, ये बात दुनिया को पता चलनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसे शूट किया। मुझे लगता है कि सूर्या की बात को ऊपर वाले ने समझ लिया था, इसीलिए सबूत मेरे हाथ लग गए, वरना बहन तुम्हारी तरह सूर्या की बात पर कोई यकीन नहीं करता। तो सुन लो। अरे सीनू मामा है वो। हाँ मुझे मालूम है, उस शिवाजी राव ने तुम्हें फोन करके तुम्हें मारने का मंसूबा बनाया होगा, यहाँ पुलिस के साथ साथ उसके मुलाजिम भी होंगे। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। इस वजह से मैं उन्हें लावारिस की तरह छोड़ दूँ क्या? मेरी खातिर वही तो सब कुछ थे। अरे अगर तुम गए तो तुम्हें मार डालेंगे वो, बराए मेहरबानी मेरी बात मानो और मत जाओ। अगर इसी जगह पर तुम शिवाजी राव को मार दोगे तो बेहतर होगा। शैलजा यहाँ आई है। उसे मैनेज किया जा सकता है। कबले ये बताओ कि सूर्या का काम तमाम हुआ या नहीं? वो यहाँ आया ही नहीं। नहीं आया तो गया कहाँ रॉबे? लगता है कोई मर्द का बच्चा है, चला जा। चार्ज, घेर लो उसको। जब आइए जनाब। है मिस्टर, पिस्तौल फेंक दो।
मैंने कहा फेंक दो। इसे गोली मार दीजिए जनाब, इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। अगर किसी ने एक कदम बढ़ाया तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। देखो तुम बहुत बड़ा जुर्म करने जा रहे हो, उन्हें छोड़ दो नहीं तो मुझे मजबूरन तुम्हें गोली मारनी पड़ेगी। अच्छा तो देरी किस बात की, चलाइए गोली चलाइए, लेकिन मरने से कबल इसे जरूर मार डालूंगा। अपने खानदान में मैं ही तनहा बच पाया हूं, मुझे जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश नहीं और ना ही मौत का खौफ है। तुम इन्हें क्यों मारना चाहते हो? इन्होंने यतीम खाने के कितने बेसहारा की मदद की है, ऐसे इंसान को मारना क्यों चाहते हो तुम? तुम्हें क्या परेशानी वही, है? वही तुम सब लोग इसे एक अजीम तरीन समझते हो ना, यही परेशानी है। तुम लोग इसे जैसा समझते हो ये वैसा नहीं है, नहीं है। अपनी सियासत के लिए मेरे पूरे खानदान को मारने वाला हैवान है ये, इसने तो छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। चल बोल बोल। ये सब झूठ है, मैं सियासत में कदम ना रख सकूं इसलिए कोई साजिश कर रहा है, इसका यकीन मत कीजिए। तू नहीं सुधरने वाला, अगर तुझे बख्श दिया तो अपनी खुदगर्जी के लिए मालूम नहीं कितने लोगों को मार देगा तू, तुझे मारना ही बेहतर होगा। सूर्या नहीं, ऐसा मत करो। बेटी समझाओ इसे कि मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम दोनों की शादी करवाना चाहता था मैं, तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना चाहता था मैं तुम्हारे साथ। बस अभी भी धोखा देने की कोशिश किए जा रहे हैं आप, सूर्या के खानदान को आपने ही मरवाया है और मुझे यकीन दिलाया कि वो सब झूठ है। हमारी शादी की बात करने आए थे ना आपसे सीनू मामा, उन्हें भी मार डाला आपने। एक पूरे खानदान को मारकर उनकी लाशों की सीढ़ी बनाकर वजीरे आला बनने की ख्वाहिश रखते हैं आप। उस रोज मैंने ऊपर वाले से ये दुआ की थी कि अगले जन्म में मैं आप ही की दुख्तर बनूं, लेकिन अब आपकी दुख्तर हूं ये बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मरने का दिल कर रहा है। सूर्या ने जो कुछ कहा वो हकीकत है, लेकिन आप पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। इस बात का सबूत क्या है? पीछे हटिए, बताइए हमें। मेरे वालिद मुजरिम हैं। मोहतरमा उसमें क्या है, इसकी जानकारी हमें दे सकती हैं? इन्हें सजा मिलनी चाहिए, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। ए रुक जाओ, गोली मत चलाओ। ए सूर्या, हिलना मत। मेरी उम्मीद, मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशों की आखिर में मेरी ही जिंदगी को तबाह कर दिया इसने, इसे यही मरना होगा। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ शैलू, इसे मरना होगा। मरना इसे नहीं आपको चाहिए, आपको। हट जाओ शैलू, आपको जीने का कोई हक नहीं है, आपके जैसे शख्स को जिंदा नहीं रहना चाहिए। आगा। 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 आगा।